नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों के द्वारा चंदा दिया जा रहा है, तो वहीं आज शिव मंदिर आवास विकास के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक समरपाल सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि हम लोग पहले ही राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वाले थे, लेकिन अब हम सब मिलकर चंदा देंगे। समरपाल सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चंदे को लेकर वार्ता की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि राम मंदिर बन रहा है, हमें बहुत खुशी है और हम तन मन धन से राम मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। बैठक में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो उसमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि श्री राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, उसमें हम लोग यहाँ इस कमेटी का, शिव मंदिर की कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारी कमेटी के सारे लोग उपस्थित हैं, महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष पीछे रस्तोगी साहब बैठे हैं और कुछ लोग नहीं आए पा, लेकिन सहमति सबकी है कि भाई इसमें हमारी एक बैठ के मीटिंग हुई कि मंदिर के लिए सहयोग कहना चाहिए देना। तो श्री राम में तो सभी की आस्था है, इस हम अपने मंदिर की तरफ से सबसे पहले ये चाह रहे थे पहले ही दिन के जो भी योगदान दिया जाए, सर्वप्रथम पहले ही दिन दिया जाए, श्री राम का आशीर्वाद सब पे बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि रहे। और हमारे तो नेता भी ये कहते हैं अखिलेश यादव के विष्णु का मंदिर तो मैं अकेला ही बना दूंगा, तो इस लिहाज से सबकी मीटिंग होके सबसे राय में सबरा होके आज हम मंदिर के लिए दान स्वरूप 21,000 रुपये का चेक दे रहे हैं, जो इनको चंदा लेने वाले जो लोग हैं वो आ गए हैं। हम अपनी कमेटी की तरफ से, शरद भाई सचिव हैं, कोषाध्यक्ष आरन शर्मा हैं हमारे, तो ये हम अपने मंदिर की तरफ से, कमेटी की तरफ से दे रहे हैं।